नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर एक निजी होटल में नारी तब और अब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला चौपाल द्वारा किया गया, जिसकी अगुवाई भाजपा नेत्री सह महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी बैस खियार कर रही थी। वही कार्यक्रम का संचालन प्रिया कर रही थी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेत्री शालिनी बैस खियार ने कहा कि महिलाएं जहां पहले चूल्हा चौके तक ही सीमित थी, वही आज महिलाएं देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। उनकी उपयोगिता से आज देश का 140 करोड़ लोगों का परिवार जुड़ा है। शालिनी बैस खियार ने कार्यक्रम के दौरान सभी महिला से भी यह अपील करते हुए कहा कि आप अपने बच्चों को पहले शिक्षा से जोड़ें। शिक्षा वो पहला कदम है जिससे एक नारी सक्षम हो सकती है। बेटी को उड़ान का मौका दें, उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो किसी भी विपरीत परिस्थिति में निकलने में सक्षम रहती है। साधन परिवेश परिस्थितियों में फर्क हो सकता है, लेकिन जिनमें हौसला होता है वो अपने रास्ते स्वयं बना लेती हैं। कार्यक्रम के दौरान कई महिला वक्ताओं ने अपने बातों को रखा। रानी लक्ष्मीबाई के युग से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काल तक की बातें रखी गई। डॉक्टर मेघा जो चैता डी की नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने यह बताया कि भ्रूण हत्या की संख्या अब बहुत कम हो गई है, जो प्रशंसनीय है। राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया महिला चौपाल के बैनर तले, जिसमें हर समाज की हर वर्ग की महिलाएं, हर क्षेत्र की महिलाएं यहां पर उपस्थित हुई। और हमारी जो वक्ताएं थी, जो हमारी वक्ता बहनें थी, वो भी समाज के अलग अलग क्षेत्रों से आती हैं। कोई प्रोफेसर थी तो कोई डॉक्टर थी तो कोई समाज सेवी थी, कोई कला के क्षेत्र से आती हैं, और सबने अपने अनुभव को बहनों के साथ साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया है, ताकि जो हमारी बहनें हैं और वो भी उनसे, उनके अनुभव से, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर और समाज में कुछ अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, एक समृद्ध और विकसित समाज के निर्माण का प्रयास करें। संस्कारयुक्त समाज के निर्माण की ओर हम सभी बहनें एकजुट होकर बढ़ चली हैं, और आने वाले दिन में यही हमारी जरूरत भी है कि एक स्वस्थ समाज हो, विकसित समाज हो, संस्कार युक्त समाज हो। उसी दिशा में हम सभी ने कदम बढ़ाया है और इस तरह से आगे भी हमारा यह प्रयास महिलाओं को एकजुट करने का, एक मंच पे लाने का चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा।